खास एक्टिविटी, आज की एक्टिविटी एक क्राफ्ट एक्टिविटी है, और क्राफ्ट एक्टिविटी में आज हम सीखेंगे एक बहुत ही ऐसी खास एक्टिविटी जो सबको पसंद है, सभी खास करके बॉयज में, ठीक है। अभी जो फेस्टिवल चालू है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति में सभी लोग पतंग उड़ाते हैं, काइट, है ना, तो काइट उड़ाने का अभी माहौल चालू है, सब तरफ काइट उड़ाना चालू है। तो मैंने सोचा कि आपको एक काइट से क्राफ्ट एक्टिविटी में आज हम सीखेंगे एक काइट, ठीक है, इस तरह से एक काइट कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, मैं ये सब उनको एक्टिविटी स्टेप स्टेप से समझाऊंगा, सिखाऊंगा। वीडियो को अच्छे से देखना है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है, काइट बनाने के बाद अच्छा आप सब उड़ाना है, ठीक है, और एंजॉय करना है मकर संक्रांति। तो वीडियो अच्छे से देखो और एक्टिविटी कंप्लीट करो। काइट बनाने के लिए हमारे घर में जो खराटे का यूज़ होता है उसका कुछ स्टिक हमें लेना है, और उसको अच्छे से साफ करके लेना है, जो उस पर कुछ पत्तों का लेयर जो होता है वो ब्लेड से या कोई भी नोकीली चीज़ से, चाकू से निकाल के साफ कर लेना है। और जो स्टिक होती है बड़ी पतली होती है, दो दो एक दूसरे को जॉइन करके लेना है। फिर जो पेपर जो है काइट पेपर, मार्केट में इजी से अवेलेबल हो जाएगा, ये काइट पेपर बोला तो कई पेपर मिल जाएगा, उसे काइट शेप में कट करना है, जो एक स्क्वायर शेप होता है, और ऐसे एक फोल्ड करके काइट शेप में इसको कट किया, जो वेस्ट पार्ट है उन निकाल के, फिर बाद में एक फोल्ड करके जो स्क्वायर शेप है एक साइड से कम करना है, एक साइड से ज़्यादा रखना है, क्योंकि काइट का एकदम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, दो साइड लंबी होती है, दो साइड बड़ी होती है। और जो ये है उसके बॉर्डर है, साइड के जो कॉर्नर है जल्दी से फट जाते हैं, क्योंकि पेपर बड़ा नाजुक होता है, पतला होता है, इसलिए इसको साइड से टेप से इसे कवर करना है ताकि पेपर फटेगा नहीं, चारों साइड से चारों कॉर्नर पे ऐसे इसको टेप पेस्ट कर दो तो अच्छा मजबूती देगा, टिकेगा अच्छे से। सभी कॉर्नर अच्छे से पेस्ट करके लेना है टिस्को टेप से। और जो हमने स्टिक साफ करके लिए वो एक दूसरे को टिस्को टेप से जॉइन करके लेना है, और दो दो तीन तीन स्टिक हमने यूज़ किए तो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए टिस्को टेप से जॉइन करके लिए, और हमारा जो सेंटर की जो स्टिक है काइट के मेजरमेंट से उतनी ले लेना, और फिर उसको टिस्को टेप से पेस्ट करना है। बाद में जो राउंड वाली जो स्टिक है वो भी उसी तरह से एक दूसरे को दो दो तीन स्टिक लेके जॉइंट करके लेना है, और पेपर को
पेश करना है। दोनों स्टिक पेस्ट करने के बाद बैक साइड पे जहाँ हमें थ्रेड बांधना है काइट उड़ाने के लिए, वहाँ पे बैक साइड पे डिस्को टेप लगाना है और कुछ ऐसे स्ट्रिप दोनों साइड से पेस्ट किए तो पतंग जब उड़ती है तो हवा में अच्छे से ये स्ट्रिप लहराएगी, टेल बोलते हैं इसको। नीचे से भी कुछ एक दो स्ट्रिप इसी पेपर की कट करके लिया मैंने। आप भी इस तरह से कर सकते हो या फिर दूसरे पेपर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर पन्नी का भी यूज़ कर सकते हो। और जो सेंटर की स्टिक है दोनों साइड से टेप लगा के उसको एक स्टिक से होल करना है और फिर बाद में उसको थ्रेड बांधना है। अच्छे से टेप जहाँ पे लगाया वहाँ पे होल करके लेना है और इस तरह से बांध के लेना है। लेकिन जिस साइड में स्टिक पेस्ट किया है उसके बैक साइड से हमारा ये थ्रेड आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। जब हवा में ये पतंग उड़ेगा तो स्टिक निकल के पेपर निकल के स्टिकी रह जाती है, तो इसलिए बैक साइड में जिस साइड से स्टिक है उसके बैक साइड में ये बांध के लेना है। ऊपर जहाँ बांधी है उससे थोड़ा ऊपर और नीचे जो बांधा है उसके नीचे और साइड में दोनों साइड के कॉर्नर से थोड़ा ऊपर ऐसा बांधना है। और फिर जो थ्रेड है उसको एक स्टिक बांधिए इस तरह से और स्टिक बांध के फिर बाद में इसके अंदर से फंसाना है और फिर ये पतंग हो गई उड़ाने को तैयार। ठीक है, इस तरह से पतंग पूरा तैयार हो गया तो फिर इस तरह से हम इसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक्टिविटी आपको भी बनाना है और एंजॉय करना है। मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, थैंक यू।